या तो आप अपनी जर्नी में लग जाओ, नहीं तो लोग आपको अपनी जर्नी में शामिल कर लेंगे। राधे राधे, गजेंद्र नाम है मेरा। एक नए एपिसोड के साथ हाजिर हैं हम। एरिया है श्याम नगर या श्याम बिहार, एरिया है श्याम बिहार, दुरनपुरी, गांधी पथ वेस्ट का है ये एरिया। और प्रॉपर्टी जिसके अपन टूर पे चलेंगे, 102.77, लगभग 103 गज का डुप्लेक्स है ये। 3 BHK में डिलीवर्ड होता है, सेमी फर्नेस और फुली फर्नेस दोनों कैटेगरी में आता है ये। 3 BHK है, ब्रॉड ड्राइंग है, ब्रॉड डाइनिंग है, ब्रॉड स्पेस है किचन का, और बेडरूम का साइज है शानदार। ये है इसका ब्रॉड पार्किंग स्पेस, काफी ब्रॉड तरह से इसको डिजाइन किया है। फ्रंट का जो डायमेंशन आता है इसका 18.5 आता है, और डेप्थ आती है इसकी 50, इस तरह से 102.77 स्क्वायर यार्ड की आती है प्रॉपर्टी। ये आपका पार्किंग स्पेस हो गया। यू आर हैविंग अ लग्जरी सेडान और लग्जरी कार, यू कैन पार्क ओवर देयर। जिसकी लेंथ बड़ी है उसके लिए भी परफेक्ट है। अगर आप छोटी गाड़ियां हैचबैक कार यूज कर सकते हो, यहाँ पे ही टू व्हीलर पार्क कर सकते हो कार के साथ में। वाटर टैंक आता है साथ में, और ये आता है इसका टू व्हीलर के लिए पार्किंग एरिया। आप यूटिलिटी एरिया भी इसको बना सकते हो। चैनल पे आप नए हो, देखना स्टार्ट कर रहे हो तो लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमें तो सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें। फ्रंट एलिवेशन देख लें इसका, शानदार है इसका फ्रंट एलिवेशन। इंट्रो एंजॉय कर लें और डिटेल से चलेंगे इस डुप्लेक्स के सफर पे। ये पार्किंग स्पेस है, पार्किंग के बारे में हमने बात की, इसे ब्रॉड एंड बिग एरिया, और ये आता है इसकी फॉल सीलिंग। ये पार्किंग स्पेस में है, गजब की फॉल सीलिंग डिजाइन की है, जो शाम के टाइम जब लाइटें जलती हैं तो इसका इंटीरियर बहुत ही खूबसूरत वाला एहसास देता है। ये एंट्री है इसकी, आइए चलते चलते हैं घर की एंट्री में, देखते हैं कितना खास है ये डुप्लेक्स और कितनी शानदार है ये प्रॉपर्टी। माइंड ब्लोइंग प्रॉपर्टी, माइंड ब्लोइंग लोकेशन, माइंड ब्लोइंग है इसकी प्राइस और माइंड ब्लोइंग है इस प्रॉपर्टी का साइज। 102.77 स्क्वायर यार्ड की ये प्रॉपर्टी है, डायमेंशन 18.5x50 है। ये है इसका ब्रॉड ड्राइंग स्पेस, मिड में आता है। ये आपका लिविंग स्पेस हो गया, ड्राइंग स्पेस हो गया, बड़ा एरिया है। और इसके जस्ट सामने प्लान किया है टीवी के लिए कैबिनेट, 55 इंच का टीवी है। उसको इस जगह डिजाइन करने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है एक डिस्टेंस, जिससे 55 इंच के टीवी को आप कवर करते हो। बैक स्पेस है, प्रॉपर वुडन के साथ प्लान किया है, और ये स्पेस किचन के जस्ट बगल में आता है आपके डाइनिंग के लिए। अगर डाइनिंग पे खाना खाने के शौकीन है तो ये परफेक्ट प्लेस है आपके लिए। इसके जस्ट बगल में आती है आपकी ब्रॉड किचन, ब्रॉड एरिया है। इसकी विजिबिलिटी आपको पार्किंग एरिया में भी मिलती है, फ्रंट गेट एक्टिविटीज में भी आपको पता चलता है कि कौन क्या एक्टिविटीज गेट पर है। चिमनी आती है इसमें हिंदवेयर की, मॉड्यूलर है ये किचन, प्रॉपर रैक के साथ किया है इसको डिजाइन। ये आता है इसमें फ्रिज का स्पेस, इंक्लूडिंग फ्रिज भी आता है। जैसा हमने बताया दो कैटेगरी में डिलीवर्ड होती है प्रॉपर्टी, वन इज सेमी फर्नेस, सेकंड इज फुली फर्नेस। वुडन का काम किया है पार्टीशन के लिए, जो बहुत ही शानदार और कूल लुक देता है इस प्रॉपर्टी को। बैक स्पेस की बात करें ड्रॉइंग स्पेस को, तो शानदार एलिगेंट तरह से इसको डिजाइन किया है, जो इस विला की खूबसूरती में चार चांद लगाता है। हैंड वॉश के लिए एरिया प्लान किया है ये वाला। अगर आप डाइनिंग यूज कर रहे हो या ड्राइंग एरिया में हो तो यू डोंट नीड टू गो आउटसाइड, आपको इस चीज को छोड़ के बेडरूम में जाने की जरूरत नहीं है, यहां पे आपको प्रॉपर विजिबिलिटी मिल जाती है। आइए पहले बेडरूम का सफर करते हैं, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं ये इसका है कॉमन वॉशरूम। ये कॉमन वॉशरूम वाला एरिया है इसका, इसकी विजिबिलिटी आपको प्रॉपर बाहर से मिलती है। अगर आप
ड्राइंग में कोई एक्टिविटीज कर रहे हो तो यू कैन यूज इट प्रॉपरली। बहुत ही क्लासी एरिया है। ये पहला बेडरूम है इस प्रॉपर्टी का। शानदार तरह से ब्लू कलर की कुल्टिंग का काम किया गया है इसमें। अगर अपन कवर्ड के एंड पे बात करूं कि आपको अपने अपेरल्स वगैरह स्टोर करने हैं तो उसके लिए स्लाइडर वाली ये डोर आती है। स्लाइडर डोर का बेनिफिट मिलता है आपको कि आपके बेडरूम का साइज एम्पर नहीं होता। ये आती है आपकी ड्रेसिंग इसके बगल में। आमने सामने डुअल स्पेस है इसमें ड्रेसिंग का। ये स्टोरेज वगैरह के ऑप्शन आते हैं कि बाकी कुछ स्टफ स्टोर करना है तो उसके लिए। बैक स्पेस आता है इसमें। यूटिलिटी एरिया आपका, ये बैक आता है आपका यूटिलिटी एरिया। यू कैन यूज इट प्रॉपरली अगर यूटिलिटी के हिसाब से प्लान करना है तो। अदरवाइज ये वेंटिलेशन के हिसाब से बहुत ही शानदार एरिया है। प्रॉपरली वुडन के काम के साथ डिजाइन ये एरिया बड़ा ही खूबसूरत और चार्मिंग लुक देता है। लिविंग स्पेस की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो फॉल सीलिंग है ये पूरे घर या फिर आपका जो ब्रॉड लिविंग स्पेस है उसमें काफी खूबसूरत व्यू देती है। इसके साथ जो प्लान किया है आपका पंखा फैन डिसेंट और एलिट क्वालिटी का है जो माइंड ब्लोइंग बनाता है इस डुप्लेक्स को। एसी गोदरेज का आता है इसका, इन्वर्टर के द्वारा भी चल सकता है। उस टाइप की चीज यूज की है, वो स्टफ यूज किया है। हम जिस प्रॉपर्टी का भी विजिट कर रहे हैं फुली फर्निश कैटेगरी की है। स्टेनलेस स्टील की आती है इसकी रेलिंग और टप्पन ग्लासेस आते हैं ट्रांसफरेबल। ये आ गए हम फर्स्ट फ्लोर के सफर पे। फर्स्ट फ्लोर की ड्रॉइंग काफी ब्रॉड है इसमें। 103 गज के साइज में फर्स्ट फ्लोर का ये ब्रॉड स्पेस ना काफी कूल और क्लासी लुक देता है। अगर आप इस प्रॉपर्टी को देखेंगे या अंदाजा लगाएंगे डाइनिंग स्पेस आपको सेपरेट एरिया में चाहिए तो यू कैन क्रिएट योर डाइनिंग स्पेस, योर लिविंग स्पेस ऑल्सो। तो डुअल डाइनिंग और डुअल लिविंग स्पेस इस प्रॉपर्टी में आता है। सेकेंड बेडरूम इस प्रॉपर्टी का सफर करें, देखें कितना खास है और कितने चार्मिंग व्यू दे रहा है। ये आता है इसका बैक स्पेस। सिटिंग के हिसाब से स्लीपिंग के हिसाब से परफेक्ट प्लेस है। एरिया की बात करें ब्रॉड लगता है, काफी बड़ा एरिया है, कंजेस्टेड फील नहीं होता। और इसके जस्ट बगल में आता है आपका ड्रेसिंग वाला एरिया और अटैच आता है इसका वॉशरूम। काफी खूबसूरती के साथ डिजाइन किया हुआ ये एरिया है। शानदार आती है इस रूम की फॉल सीलिंग। वुडन कवर्ड वॉल फिटेड आती है। ये वॉल में फिटेड है कवर्ड तो थोड़ा बेडरूम का साइज इससे हैम्पर नहीं होता। बेडरूम के साइज के साथ आपको ना जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती रूटीन लाइफ में कि आप खोलो फिर बेड से निकलो ये करो। इट्स नॉट लाइक दैट। बैक स्पेस आता है इसमें वेंटिलेशन के लिए। ग्राउंड फ्लोर टू सेकंड फ्लोर ओपन टू स्काई है तो वेंटिलेशन आपको ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे इसमें प्रॉपर मिलता है। ये थर्ड बेडरूम है इस प्रॉपर्टी का। शानदार वाले वुडन वर्क के साथ किया गया है इसको डिजाइन। प्रॉपर आती है इसमें स्लाइडर डोर वाली। अपेरल वगैरह आपको कुछ प्लान करना है तो वुडन स्लाइडर डोर के बेनिफिट लॉट ऑफ हैं, बहुत सारे हैं। पहले भी बताया कि इसमें आपको ना बेडरूम का साइज एम्पर नहीं होता। यू कैन यूज इट प्रॉपरली। शानदार वाली फॉल सीलिंग, वुडन वर्क आता है प्रॉपर वुडन के साथ में। टीवी के कैबिनेट वगैरह प्लान किए गए। और ये अगर आप पर्सनल टीवी यूज करने के शौकीन है तो इट्स परफेक्ट फॉर यू। सामने आता है इसका अटैच वॉशरूम। ये है इसका अटैच वॉशरूम। ये आपका अटैच वॉशरूम आ गया और ये आ गया आपका ड्रेसिंग स्पेस। इसमें पर्सनल अपेरल वगैरह या पर्सनल केयर की जो चीजें वो आप स्टोर कर सकते हो। फ्रंट में आती है इसकी बालकनी। ये ब्रॉड और बड़ी बालकनी है इसकी। ये फ्रंट विजिबिलिटी के साथ आती है। शानदार वाली आती है इसमें फॉल सीलिंग। एलिगेंट वाली लाइट का किया गया है इसमें इस्तेमाल। बहुत ही सुंदर और क्लासी वाला व्यू आता है इस बालकनी का इस चीज से। तीन बेडरूम, तीनों बेडरूमों को फुली फर्निश तरीके से सुसज्जित किया गया है। माइंड ब्लोइंग प्रॉपर्टी के साथ है, माइंड ब्लोइंग प्राइस के साथ भी आती है। अब बात करते हैं अपन इस प्राइस रेंज की। 1 CR में होती है डिलीवर, 103 गज की लगभग प्रॉपर्टी। सेमी फर्निश कैटेगरी की जो चीज आती है वो आती है 95 लाख रुपीस में। स्टफ आपके पास ऑलरेडी है तो छत को प्रॉपरली डिजाइन किया गया है कलरफुल टाइलों के साथ। तो इसका एक एडवांटेज आपको मिलता है कि कभी भी आपको सीलन की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। सेमी फर्निश कैटेगरी के इस डुप्लेक्स की जिस शानदार सफर पे हमने आपको विजिट कराया उसकी प्राइस आती है 95 लाख। फुली फर्निश कैटेगरी में अगर इस डुप्लेक्स की बात करें तो 1 CR की आती है आस्किंग। द्रुनपुरी एरिया है ये, श्याम बिहार कॉलोनी है। ये सराउंडिंग एरिया आता है सेल्बी हॉस्पिटल के 500 मीटर वाला।
शानदार है ये प्रॉपर्टी, एलिगेंट तरह से फुली फर्निश तरह से किया गया है इसमें काम। आपका बेड है, आपके सोफे हैं, आपकी लिविंग है, आपकी डाइनिंग है, आपकी किचन है, या फिर मैं बात करूं इसमें लगाए हुए एसी और ब्रॉड 55 इंच के टीवी, सारी चीजें शानदार हैं इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद हमें देखने के लिए। अगर आपको और नए वीडियोज और नए अपडेट की रिक्वायरमेंट है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।